हरम का हर कोना साफ किया जाता है। सफाई के लिए 1800 अफराद काम करते हैं। सहन की सफाई के लिए 40 ऑटोमेटिक मशीनें, 60 दीगर बरकी आलात हैं। हरम के अंदर और बाहर 2000 कूड़ादान हैं। फर्श, दरवाजे, दीवारें, मीनार, छतें, हर जगह की सफाई की जाती है। एक बड़ी अहम जगह भी साफ की जाती है और वो है हरम के कालीन। जदीद तोसी समेत हरम में 40,000 कालीन बिछते हैं। अगर इनको आपस में मिला के बिछाया जाए तो मक्का से जद्दा तक 79 किलोमीटर की मुसाफत से बढ़ जाए। इनको कैसे साफ किया जाता है? गर्दो गुबार, दाग धब्बे साफ करने का मरहला। देखा, कालीन ऐसे झाड़े जाते हैं। ये धोने का मरहला है। पहले पानी, फिर साबुन से कालीन धोए जाते हैं, आखिर में फिर पानी से धोए जाते हैं, यानी कालीन को खुश्क किया जाता है। ये मशीन सिर्फ कालीन खुश्क करती है, आखिरी कतरा भी खुश्क हो जाता है। मुकम्मल खुश्क हो गया, ये एक मर्तबा खुश्क हो चुका है। जरा खोलिए इसे, ये बटन से खुलता है। पांचवा मरहला ये है कि कालीन को खुली हवा में फैलाया जाता है ताकि मुकम्मल खुश्क हो जाए, फिर स्टोर कर दिया जाता है। स्टोर करने से पहले एक मर्तबा ये साफ किया जाता है ताकि कोई कमी ना रह जाए। स्टोरेज का मरहला, इसमें 15,000 कालीन स्टोर हो सकते हैं। प्लास्टिक में पैक ये कालीन जरूरत के तहत हरम में बिछाए जाते हैं। कालीनों की धुलाई के बाद खुशबू छिड़काव का मरहला आता है। तमाम कालीनों पर अर्के गुलाब छिड़का जाता है। ये रोजाना की बुनियाद पे किया जाता है। खुशबू और खुशबू का बड़ा गहरा ताल्लुक है, यानी जब आप सजदा करते हैं तो खुशबू से रूहानी कैफियत और बढ़ जाती है। अगर आप किसी मस्जिद में नमाज पढ़ें और कालीनों से बू आ रही हो तो आप सजदा लंबा करेंगे नहीं। ये सफाई और खुशबू इसीलिए है कि जाहिर खुशबू से अपने मकसद में लग जाए, यहाँ तक कि फिजा भी बखूर से महकाई जाती है। गिलाफे काबा को इतर लगाया जाता है, हजरे अस्वद को मुअत्तर किया जाता है, हर जगह खुशबुएं फैलाई जाती हैं। हरम की सहूलियात में से एक सहूलत वॉशरूम्स है, जिसे लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं। तौसी समेत हरम के गिर्द 13,000 वॉशरूम्स हैं। इनको रोजाना 4 मर्तबा धोया जाता है। तमाम वॉशरूम्स तहखाने में हैं। हर जगह पंखे, रहनुमाई बोर्ड, मच्छर मार मशीनें मौजूद हैं। ये आला है जो फायदामंद बैक्टीरिया पैदा करता है। इससे बू का सबब बनने वाला बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। जमजम मुद्दतों पुराना कुआं है, लेकिन मसला ये है कि कई मिलियन लोगों को ये पानी कैसे मुहैया किया जाता है। हरम में कोई ऐसी जगह नहीं जहां बासानी जमजम दस्तयाब ना हो। पूरे हरम में 25,000 कूलर हैं। ये कूलर रोजाना साफ किए और भरे जाते हैं। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मुमकिन है ये दुनिया का सबसे बड़ा पानी पिलाने वाला निजाम हो। रोजाना बेशुमार लोग पानी पीते हैं। हर रोज पानी का मेयार चेक करने के लिए 100 सैंपल भर के जदीद आला से लेस लेबोरेटरी में भेजे जाते हैं ताकि पता लगाया जा सके कोई खराबी तो नहीं। तवाफ करने वालों की खिदमत में भी जमजम पेश किया जाता है। मैंने खुद इसमें हिस्सा लिया, इसके लिए खास वर्कर हैं। देखा, ऐसे बैग पहनकर पानी पिलाया जाता है। खुश आमदीद, आपका नाम? जमील, अल्लाह तेरी जिंदगी खूबसूरत कर दे। बाबरकत पानी है? खुश आमदीद। बाबरकत पानी है? खुश आमदीद। माशाल्लाह, और चाहिए या बस? दुआ करें, अल्लाह से हमारे लिए दुआ करें। बाबरकत पानी है? दुआ करें, दुआ। क्या नाम है? पाकिस्तानी? बांग्लादेशी? बांग्लादेश माशाल्लाह तादाद के लिहाज से
चौथा बड़ा इस्लामी मुल्क है जहाँ 15 करोड़ मुसलमान हैं। सलाम अलैकुम, कैफ अल हाल? लाहौर, लाहौर माशाल्लाह, तहियात। ये हरम की खूबसूरती है कि हर मुल्क के लोग हैं। यहाँ जमजम का कुआं है, मकाम इब्राहिम और हजरे अस्वद के दरमियान काबा से 21 मीटर दूर है, इसकी गहराई 30 मीटर। एक चश्मा सफा मरवा से फूटता है और एक चश्मा काबा से। जायरीन की जरूरत के लिए जमजम कुएं से 4 किलोमीटर जेर जमीन शाह अब्दुल्ला कम्प्लेक्स तक पहुंचाया जाता है। ये कम्प्लेक्स टोटल ऑटोमेटिक है, आइए इसे देखते हैं। पहला मरहला, प्लास्टिक की ये बोतल तैयार की जाती है। इस छोटी बोतल से ये गैलन तैयार की गई, कुछ 10 लीटर और कुछ 5 लीटर हैं। हर सेकंड में एक गैलन तैयार होती है। यहाँ स्टिकर लगाए जाते हैं, सब काम ऑटोमेटिक हो रहा है। यहाँ गैलन को धोया जाता है। यहाँ पानी भरने के बाद सील किया जाता है। गैलनों को प्लास्टिक कवर से ढांप कर यहाँ स्टोर किया जाता है। इसमें कितने गैलन स्टोर किए जाते हैं? 1 लाख, 5 लाख, 1 मिलियन। यहाँ 17 लाख गैलन स्टोर किए जाते हैं 10 लीटर वाले। तरीका हुसूले जमजम, इससे पहले ऐसा कोई निजाम नहीं था। फैक्ट्री बनने से पहले लोग हुजाज को महंगे दामों जमजम से भरे गैलन फरोख्त करते थे। यकीन ना होता कि इसमें जमजम का पानी है या कोई और। ये सारा निजाम इसलिए बनाया ताकि हुजाज आसानी से असल जमजम हासिल कर सके। इसी पर बस नहीं बल्कि इसको मजीद बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। हकीकत ये है कि बेशतर मालूमात ऐसी है कि इससे पहले मैं भी नहीं जानता था। हरम में एक और सहूलत भी है, वो है कुरान क्लास। दुनिया के किसी कोने में बैठकर इस उस्ताद से हर की रात में कुरान पढ़ सकते हैं। ये सहूलत 24 घंटे दस्तयाब है। यहाँ के तमाम उस्तादसा किरात अशरा में पढ़ा सकते हैं, यानी किरात, हफ्स, वर्ष, हमजा वगैरह। 180 मुमालिक के लोग इससे इस्तफादा कर रहे हैं। 3 साल में 5 लाख से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड हुए। देखो अब्दुर्रहमान पढ़ रहा है स्वीडन में अपने घर में बैठ के। ये है कुरान क्लास। ये छोटा काम नहीं, अरब दुनिया में तो हर जगह इमाम, मस्जिद, मुदर्रस कुरान पढ़ाने के लिए मिल जाता है, लेकिन दुनिया में ऐसी जगहें हैं जहाँ कुरान पढ़ाने वाला नहीं, तो हरम के उस्ताद से पढ़ सकते हैं। हमने एक नए अंदाज से काम किया, मुख्तलिफ हुजाज से पूछा कि आप गिलाफ काबा बनता देखना चाहते हैं क्या? आप गिलाफ काबा बनता देखना चाहते हैं क्या? ख्याल है? काश ऐसा हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो? बिल्कुल। मुझे खुशी हुई, ये किसके लिए है? अल्लाह के लिए। किसी को दे दोगे? नहीं, बल्कि व्हीलचेयर के दफ्तर जमा करवाऊंगा। अच्छा, एक दोस्त ने पैसे दिए थे। यानी आप दोस्त की तरफ से खरीद कर हरम में रख रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि खरीद कर हरम में दे दूं। बहुत अच्छा, अल्लाह बरकत दे। आमीन। आइंदा साल के लिए गिलाफ काबा बनता देखना चाहते हैं? कौन नहीं चाहता। गिलाफ काबा की शाह अब्दुल अजीज फैक्ट्री, यहाँ पूरा साल गिलाफ काबा तैयार किया जाता है। माशाअल्लाह, तबारकअल्लाह, ये अल्लाह का फजल है।
इस सुई को ऊपर खींचो। यहां से नीचे करो। माशाल्लाह। दाएं खींचो, मजबूती से खींचो। दूसरे हाथ को नीचे रखो, खींचो। बिस्मिल्लाह। कितनी मुद्दत में आदमी सीख जाता है? 3 या 6 माह में हो सकता है, लेकिन यहाँ 9 माह की तरबियत है। 9 माह में मुकम्मल जी सीख जाता है। लेकिन वायदा से फारग होकर यहाँ अमली काम है। भाई अब्दुल जलील मेहमानों को इधर भेज रहे हैं। जब उनसे बात हुई तो मैंने कुछ महसूस किया कि फहरिस्त में एक और हाजी का इजाफा होना चाहिए। ये अब्दुल जलील हिंदी हैं। अब्दुल्ला, ये अल्लाह की तौफीक है। अल्लाह आपको कुशादगी दे, हमारे लिए भी दुआ करना। जज़ाकअल्लाह खैर, बहुत खुशी हुई। हरम की फैसिलिटीज में से एक फैसिलिटी हिफाजती लॉकर्स हैं। यहाँ जायरीन के लिए मुख्तलिफ साइज में 2000 से ज्यादा लॉकर्स हैं। ये ऑटोमेटिक हैं, इंग्लिश और अरबी जबान में हैं। दबाएं, लॉकर खुल गया। लॉकर में चार्जिंग और यूएसबी की फैसिलिटीज हैं। यहाँ से पर्ची या कार्ड आएगा जिस पर मालूमात दर्ज हैं। इस पर्ची को स्कैन करें तो लॉकर खुल जाएगा। सामान लो और जाओ। मौसम गर्मा में मक्का का दर्जा हरारत 40 से 50 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ऐसे सख्त मौसम में जायर इबादत करते वक्त पसीने से शराबूर हो, ऐसा नहीं होता, बल्कि ठंडा एनवायरनमेंट है। आइए देखते हैं ये ठंडक का अहम निजाम कैसा है। यहाँ जेरे जमीन ये निजाम है, इसमें मुख्तलिफ चिलर है। मैं खोलने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई आए और थोड़ी सी मदद करे, बस ये पत्थर उठा के आगे कर दे। वो आए, वो ओके, बिस्मिल्ला। बस आप दुआ करें, आओ जल्दी आओ। जल्दी आओ, वो पत्थर उठाओ, बस यहां रख दो। चलो बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी। यहां वो सारा निजाम है। सिर्फ हरम के लिए सैकड़ों चिलर हैं। इससे नीचे ठंडे पानी के पाइप हैं जिनसे पूरा हरम ठंडा रहता है, ताकि जायर अपने मकसद पर रहे। हरम में हर आने वाला हैरान है कि ये पत्थर सख्त गर्मी में भी ठंडा रहता है। इसका राज ये है कि ये खास पत्थर जो यूनान से दरामद किया जाता है, इसकी खूबी ये है कि ये गर्मी और रोशनी को मुनक्कस करता है। ये पत्थर पूरे हरम में ऐसी सम्प पर है ताकि आदमी का रुख काबे की तरफ रहे, यानी जहां काबा नजर ना भी आए तो पता चल जाए कि इसी तरफ रुख करके नमाज पढ़नी है। देखो इंजीनियर्स ने कैसे बनाया है, ये आसान नहीं। हरम मुख्तलिफ हिस्सों में बटा हुआ है। हर हिस्से की मेंटेनेंस के लिए इंजीनियर्स मौजूद हैं। जहां कोई पत्थर खराब हो जाए या टूट जाए, इसको मरम्मत किया जाता है। हरम में एक और बड़ी आला फैसिलिटी मयसर है, वो है अल मकसद एप्लीकेशन। इस्तेमाल का तरीका यूं है, आप हरम में जहां भी जाना चाहें, एप्लीकेशन खोलें, इब्तिदा पर प्रेस करें, इस नाम पर प्रेस करें। मसलन आपको गूंगे बहरों के ऑफिस जाना चाहते हैं, या व्हील चेयर ऑफिस, या किसी गेट पर जाना चाहते हैं, तो आपके सामने नक्शा आ जाएगा। सानियन, इसमें मुख्तलिफ जबानों का ऑप्शन है। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा गेट नंबर 29। ये एप्लीकेशन बगैर इंटरनेट चलती है। 29 नंबर गेट 2 मिनट की मुसाफत पर है। ये हुजाज की आसानी के लिए है, ताकि इधर उधर घूम फिर के वक्त जाया ना हो। लो, हम मतलूबा गेट पर पहुँच गए। एक और बड़ी उम्दा फैसिलिटी है,
साउंड सिस्टम। हरम का साउंड सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा सौती निजाम है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी चार मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं। अगर एक बंद हो जाए तो दूसरा, फिर तीसरा स्टार्ट हो जाता है, ताकि जब अजान हो या जमात तो एक सेकंड के लिए भी हरम की आवाज बंद ना हो। इमाम की आवाज जितनी भी अच्छी हो, अगर स्पीकर खराब हो या शोर कर रहा हो तो आदमी नमाज में बेचैन हो जाता है। हरम में 6000 स्पीकर्स हैं, 4 साउंड सिस्टम है, 50 अफराद इसको चलाते हैं। दुनिया में 80% मुसलमान गैर अरबी हैं। 4 बड़े इस्लामी ममालिक गैर अरबी हैं, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, जबकि काबा सब मुसलमानों का है। लिहाजा इनकी फैसिलिटी के लिए दुनिया की 65 मुख्तलिफ जबानों में कुरान पाक का तर्जुमा हरम में दस्तयाब है। खुतबे जुमा की अदायगी के लिए हम हरम आए। खुतबे का मौजू बड़ा अहम था। जरा तसव्वुर करें, अगर ज़ायरीन हरम को मालूम ही नहीं इमाम क्या कह रहा है तो इनके सुनने का क्या फायदा। लिहाजा हुजाज के लिए 5 मुख्तलिफ जुबानों में बराह रास्त तर्जुमे की फैसिलिटी मौजूद है। हैंड फ्री लगाएं, साइट खोलें और अपनी जबान में खुतबा सुने, बल्कि गूंगे बहरे लोगों के लिए खुतबे का तर्जुमा करने वाले अफराद मौजूद हैं। आमन रसूल बिमा उंजिल इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून। मुसलमान हर मोहताज की जरूरत का ख्याल रखते हैं। अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नाबीना के मुतल्लिक मुतनब्बे फरमाया। वकालू समअना वअतअना। हरम में ब्रेल जबान में भी कुरान मौजूद है, ताकि नाबीना अफराद हरम में तिलावत कर सकें। اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا। इनके अलावा और कई फैसिलिटीज हैं, मसलन आम व्हील चेयर्स, 10,000 से ज्यादा व्हील चेयर्स फ्री दस्तयाब हैं, बरकी व्हील चेयर्स, 400 बरकी व्हील चेयर्स खास जरूरतमंदों के लिए दस्तयाब हैं। मुस्तकबिल में 2 या 3 अफराद के लिए एक खुदकार व्हील चेयर आने वाली है, इंशाल्लाह ये जल्द आ जाएगी। खुदकार व्हील चेयर 3 अफराद के लिए है, ताकि एक आदमी 3 अफराद को तवाफ और सही करा सके। ये बरकी है, बड़ी आसानी से चलती है, इंशाल्लाह ये जल्द आने वाली है। हरम में मजीद बेहतरी जारी है। स्काउट खुशामदीद, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अपना तारुफ कराएं। हम मक्का के नौजवान हैं। मक्का के नौजवान माजूरों बूढ़ों की फ्री खिदमत करते हैं। बखुदा ये बड़ा ही उम्दा काम है, मैंने ऐसा कभी सोचा भी न था। ये तवाफ और सफा मरवा कराते हैं, कितने घंटे काम करते हो? 4 शिफ्टें हैं, एक शिफ्ट 6 घंटे की है। 24 घंटे? 24 घंटे सारा साल काम करते हैं। सुबह 6 बजे आगाज होता है। माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें और तौफीक दे। आमीन। अल्लाह बरकत दे। आमीन। अम्मा मेरे लिए दुआ करें। मालूम नहीं मलेशिया या इंडोनेशिया से हैं, हुजाज हजारों मीलों से आते हैं। इनके दिलों में यहाँ जो लिल्लाहियत होती है, ये कहीं और नहीं हो सकती। हो सकता है वो हाजी पहली मर्तबा आया हो या इसका आना आखिरी मर्तबा हो, शायद जिंदगी में इसको दोबारा मौका ना मिले। जब कोई इनकी खिदमत करता है तो इनके दिलों में घर कर जाता है, फिर वो हाजी सारी जिंदगी दुआ गो रहते हैं। अल्लाह मक्का के जवानों का जज्बा कबूल फरमाए। इसी से मिलता जुलता और रिफाई काम वो है इफ्तारी। कह सकते हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा दस्तखान हो। अंदरूनी हरम में 5 लाख घुटली निकली खजूर और 5 लाख हरम से बाहर घुटली निकली खजूर इफ्तारी के लिए तकसीम की जाती है। बेशुमार अफराद इस काम को फ्री सन अंजाम देते हैं, ताकि रोजेदार को हरम में इफ्तारी कराएं। काम करने वाले इसको अपने लिए बाइस इज्जत समझते हैं। बड़ा अहम सवाल, क्या इन तमाम कामों में कभी गलती नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई काम पूरा मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि कमाल तो अल्लाह की सिफत है। ये इंसानी काम, कभी इनफरादी गलती हो सकती है, कभी गैर मतवक्को हालात होते हैं, लेकिन कोई मुनसिफ इस बात का इनकार
नहीं कर सकता कि मक्का में हमेशा बेहतर से बेहतरीन काम जो इस साल है आइंदा इससे बेहतर होगा। ज़ईफुर रहमान की खिदमत का प्रोजेक्ट 12 विजनरी प्रोजेक्ट में से एक है। सैकड़ों मुआवन इदारे कोशा हैं ताकि आने वाले सालों में और बेहतर अंदाज में पेश कर सकें। यही प्रोजेक्ट 2030 के विजन का बुनियादी रुकन है। नाज़रीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको आफियत से नवाजे। हम शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे साथ रहे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इस डॉक्यूमेंट्री में कोशिश ये की गई है कि हर बात हरम के हवाले से सही सही मौजूद हो। गलती इंसानी खता है क्योंकि कमाल सिर्फ अल्लाह की जात है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्हम्दुलिल्लाह।